बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। लालू यादव से नहीं मिलने देने पर भड़के तेजस्वी, कहा साजिश रच रही है बीजेपी सरकार। BSF कांस्टेबल ने दो साथियों को गोली मारने के बाद की खुदकुशी। पुलिस ने चोरी की चार बाइक और अगवा लड़की को बरामद किया। अब खबरें विस्तार से। रांची बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरोप के बाद झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल RJD के अध्यक्ष लालू यादव के वार्ड में जेल अधिकारियों ने पिछले दिनों फिर छापा मारा था। छापेमारी के बाद शनिवार शाम को लालू यादव से मिलने पहुंचे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया। इससे भड़की तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर लालू यादव के साथ साजिश करने का आरोप लगाया। उत्तरी त्रिपुरा में उस समय सनसनी फैल गई जब एक BSF कांस्टेबल ने सर्विस राइफल से दो साथियों को गोली मारकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। SP भानुपाड़ा चक्रवर्ती ने बताया कि घटना शुक्रवार की रात की है। कांस्टेबल भी दुर्गा राव आंध्र प्रदेश का रहने वाला था और घटना के समय वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक उसने अपने साथी अनिल कुमार को गोली मार दी। चक्रवर्ती के अनुसार गोली की आवाज़ सुनकर BSF जवान धनराज वहाँ पहुँचा और राव को काबू में करने की कोशिश किया, तो इस दौरान राव ने खुद को भी गोली मार ली जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धनराज को भी गोली लगी। दोनों घायल जवानों को GP पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है, घटना की जांच की जा रही है। रोहनिया इंस्पेक्टर परशुराम त्रिपाठी ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक के साथ राजा तालाब रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मोड़ के पास से अभिषेक उर्फ आशुतोष पटेल निवासी कचनारहाट आशुतोष पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल उसके राजा तालाब इलाके से चुराई गई थी और उसके साथ ही जो लड़की मौजूद थी उसे वह घर से भगाकर लेके आया था। इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। थाने लाकर अभिषेक से पूछताछ करने पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चार अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद किया। गिरफ्तार अभिषेक के खिलाफ जिले के रोहनिया लंका भेलुपुर सहित अन्य थानों में भी मुकदमा दर्ज है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।